अभी हम थोड़ा बहुत सामान मतलब ऐसी सारा एक जगह करके रख रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े सामान इकट्ठा करने में, मतलब फिर मिलता नहीं है ना कि अभी जल्दी जल्दी में फिर कुछ रहा था, इसलिए हम पहले से दिमाग में सोच सोच के रख रहे हैं कि क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। चलो नहीं जा रहा। और मैंने एक ट्राईपॉड भी ऑर्डर करा था तो वो भी आने वाला है लगभग अभी एक दो दिन में आ जाएगा। क्योंकि हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं और कृष्णा अभी स्कूल के लिए रेडी हुए हैं। कृष्णा की बस आ गई शायद, तो मैं उसको बुला लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस अभी कृष्णा भी जा चुका है स्कूल और मैं भी जाने वाला हूँ बस थोड़ी देर में। तो मेरे को आज पापा छोड़ के आएंगे तो मैं जल्दी से कोई स्वेटर पहन लेता हूँ उसके ऊपर से, फिर उसके बाद चलते हैं स्कूल। मतलब कृष्णा की बस छूट गई थी जहाँ से हमारा स्टॉप है वहाँ से निकल गई थी, तो फिर बाइक से लेके उसे आगे गया, मैं फिर आगे से बिठवाया बस में, तब गया बस स्कूल। तो अब मैं अभी चलता हूँ जल्दी से, मेरे को भी लेट हो रहा है थोड़ा सा। जल्दी बैग उठाते हैं, स्वेटर पहनते हैं, चलते हैं, फिर आके मिलूंगा स्कूल से। सो गाइस मैं अभी स्कूल से आ चुका हूँ और भैया भी आ चुका है। रुक जा रुक जा रुक जा। तो अभी 3 बज चुके हैं अभी और मम्मी ने खाना बना दिया है, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं उसके बाद ट्यूशन चलेंगे। तो गाइस अभी हम बाहर आए हुए हैं, तो अभी हम एक मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वहाँ पे गए हुए थे, तो हमें कुछ कार्ड छपवाने थे, तो मतलब अब अपने चैनल के लिए कुछ छपवाना था, मतलब प्रिंट करवाना था। तो अभी वो दे के आए हैं, तो जब वो बन के आ जाएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को हम भी। तो अभी वो कह रहे थे लगभग 4-5 दिन लग जाएंगे आने में, तो 4-5 दिन बाद जब आएंगे तब हम दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो हम घर जा रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं। तो गाइस अभी 3:15 हो रहा है और खाना बन चुका, तो खाने में दाल चावल बने, तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ जस्ट, और फिर उसके बाद चलेंगे ट्यूशन। क्योंकि कल तो गए नहीं थे, कल देखा था कि लेट हो गया था मैं, तो 4:15 घर पे हो गए थे, तो आज जल्दी चलेंगे थोड़ा। और पापा को भी कॉल आई थी अभी कि पापा भी वहाँ से निकल गए हैं जसपुर की तरफ से, तो पापा भी आधे घंटे में आ जाएंगे, तो फिर शायद हम बाइक से चलेंगे, और पापा अगर जब तक नहीं आए तो पैदल ही चलेंगे। तो पहले जल्दी से खाना खा लेता हूँ उसके बाद चलते हैं। तो गाइस जब मैं घर से निकल चुका हूँ, खाना वाना खा लिया हमने सब, और अब जा रहे हैं ट्यूशन की तरफ, तो चलते हैं जल्दी ट्यूशन। फिर शाम को शायद हम आज द्रोण सागर चले जाएँ, क्योंकि उस दिन जा नहीं पाए थे, पारस उस दिन नहीं जा पाया था, तो आज चलते हैं, आज देखते हैं क्या पता आज चले जाएँ। तो फिलहाल थोड़ा पहले ट्यूशन चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वो देखो गाइस अभी हम ट्यूशन से बाहर आ चुके हैं और स्कूटी पे बैठे हैं पारस के साथ, तो अब चल रहे हैं द्रोण सागर। बड़ी मुश्किल से मनाया इसे मैंने, आज मना कर रहा था, वैसे रोज़ कहते रहा था जाने को, और आज इसका मन नहीं कर रहा था। तो कह रहा भाई आज थोड़े बहुत देर रुक के आ जाएंगे, चलते हैं जल्दी से फिर। तो अब हम पहुंच गए हैं द्रोण सागर, तो पारस बैठा हुआ गेम खेल रहा अपने फ़ोन में, अभी चलते हैं। इसका तो मन कर नहीं रहा है, कह रहा मैं यहीं बैठूँगा, तुम लोग घूम के आ जाओ, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूम के आते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस जब मैं आ चुका हूँ घूम घाम के, आधा घंटा हो गया मैं आए हुए, तो अब चलते हैं जल्दी से घर। तो अभी 6 बज चुके हैं, मतलब 5 बजे ट्यूशन छूटा था फिर आए हम, और अब 6 बज रहे हैं, तो जल्दी चलते हैं। पारस तो यहीं बैठा हुआ था, मैं और कृष्णा घूम के आए हुए ऐसे ही, मतलब पहले रोज हमसे कहता है कि लेके चलो लेके चलो, अब आया तो खुद ही घूम के नहीं आया। मैंने बोला 5 मिनट नहीं, मैं पहले मैं गेट जब इसने मना करी मैंने कहा तो चलो अभी चल रहे हैं, तो कह रहा तुम लोग घूम के आ जाओ, अब चलते हैं जल्दी से घर। तो गाइस अभी रात के 8 बज रहे हैं और मतलब अभी पापा घर पे आ गए हैं, पापा लगभग 7:30 मतलब 7-7:30 बजे के बीच में आए थे। तो मम्मी अभी गई हुई हैं मार्केट, मम्मी अकेली गई हैं आज, मम्मी को कुछ कपड़े वपड़े लेने थे अपने लिए। मतलब हम लोग अब आज डेट है 16, तो अभी लगभग 20 या 21 तारीख में हम लोगों को हरिद्वार जाना है, मतलब फिर हम कांवर लेके वहाँ से आएंगे, जो पैदल पैदल आते हैं, मतलब आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मतलब मैं बता देता हूँ कि हमें पहले हरिद्वार जाना होता है, वहाँ से गंगा जल भरना होता है, फिर पैदल पैदल लेके घर तक आना होता है, मतलब घर तक नहीं पहले मंदिर तक आना होता है, यहाँ के आसपास के हमारे घर के आसपास के मंदिर, फिर वहाँ पर गंगा जल चढ़ाना होता है, फिर आना होता है घर पर। शिवरात्रि वाले दिन तक हम पैदल पैदल चल के आते हैं, तो फिर घर पे आते हैं फिर गंगा जल चढ़ा के, तो उसी के लिए हमें जाना है। तो अभी हम लोग शायद 21 तारीख में जाएंगे यहाँ से, तो फिर उसके लिए मतलब हमें थोड़े कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं ना, लोअर टी शर्ट टाइप, तो मम्मी वही लेने के लिए गई हैं, हमने तो ले लिए थे कल, गए थे हम लोग मार्केट तो हम वहाँ से लेके आ गए थे, हम पे थे पहले से भी, लेकिन उस पर शायद नए कपड़े पहनते हैं ऐसा मम्मी कह रही थी, इसलिए नए लेने के लिए गई हैं। तो अभी पार्थ तो सो ही रहा है देखो मेरे बराबर में, और पापा आए हुए हैं अभी, मतलब पापा खाना खा रहे हैं ऐसे ही देखो। तो पापा ने मतलब दोपहर के टाइम पे तो पापा आए नहीं थे, तो अब शाम के टाइम पे खा रहे हैं, तो अब अब रात को अब मम्मी आएंगी, फिर उसके बाद खाना वाना बनाने की तैयारी करेंगी, फिर 9-9:30 बजे तक खाना वाना खाएंगे, तो फिर
देखते हैं मम्मी कब तक आएंगी। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं स्लीपर लेने के लिए, क्योंकि कांवर पे पहनने के लिए स्लीपर चाहिए होती हैं, तो नहीं लेंगे क्योंकि मेरी पहले वाली कंफर्टेबल नहीं है इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल तो कृष्णा देख रहा है, मैंने पसंद कर लिया अपने लिए कुछ इस टाइप की, पापा ने भी यही वाली ली है और कृष्णा भी यही वाली ले रहा है, तो तीनों सेम। मम्मी ने तो कल ही ले ली है अपने लिए, तो अभी जल्दी से स्लीपर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। आठ नंबर वो ब्लैक। हाँ मम्मी को भी यही से ले लेती, मम्मी की भी तो इसी कंपनी की है ना, तो हम भी लेते हैं जल्दी से चप्पले फिर चलते हैं घर। तो गाइस अब मैं घर पे आ गया हूँ, और मतलब जो हमें स्लीपर लेनी थी हमने वो सब ले ली हैं। तो मैंने, पापा ने और कृष्णा ने तीनों जनों ने ली है, मम्मी ने कल ही ले ली थी, तो कल मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी इसलिए वो नहीं दिखी। तो अभी मतलब हम कल गए थे मार्केट गए थे, हम कल भी मतलब रोज ही जा रहे हैं लगभग, तो मतलब कुछ ना कुछ सामान लेके आ ही रहे हैं क्योंकि हमें कांवर लेने जाना है, तो मतलब उसके लिए थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग चल रही है। तो ये बैग तो आपने देखे थे जो मैं लेके आया था, ये कृष्णा का है, ये वाला ये अलग टाइप का थोड़ा, और ये वाला मेरा है, ये तो उससे थोड़ा बड़ा है, और ये स्लीपर भी लेके आ गए हम। तो अभी दिखाता हूँ मैं, हम तीनों ने मतलब मैंने पापा ने कृष्णा ने सेम टाइप के लिए, बस कलर अलग अलग लिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मतलब अगर कलर भी सेम ले लेते फिर कि कोई भी किसी की पहन के चला आया था पता नहीं चलता। तो अभी मैं देखता हूँ, पहले दिखाता हूँ मतलब कि कौन कौन से कलर लेके आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसकी निकलती हैं, तो सबसे पहले मेरी निकल के आई हैं, बढ़िया है। तो ये मेरी हैं, सोल में तो हार्ड है, हार्ड नहीं है वो सॉफ्ट वाला है, वो पहनने में सही कंफर्टेबल लग रही है, पापा को भी सही लग रही थी कंफर्टेबल। और ये वाली देखते हैं, ये वाली किसकी है, कंफर्टेबल भी चल रहा है। तो ये वाली पापा की है, तो देखो स्लीपर तो बिल्कुल सेम है लेकिन बस कलर अलग है, तो मैं दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल सेम टू सेम है एग्जैक्ट वैसे लेकिन बस कलर अलग अलग है। और इसके मतलब पाँच कलर थे वहाँ पे, उसमें से एक दो ये हैं। अब कृष्णा की दिखाता हूँ, कृष्णा की डार्क ग्रीन कलर की हैं, तीनों की एक जैसी हैं, हाँ बस कलर अलग है, वही तो कह रहा हूँ। ये देखो डार्क ग्रीन ब्लू ब्लैक, तो तीनों के सेम टू सेम साइज भी लगभग हमारा सेम टू सेम ही हो गया तीनों का। तो मेरे और पापा के तो 10 नंबर का है, क्योंकि पापा को तो थोड़ी बड़ी चाहिए अपने पैर के हिसाब से, और लेकिन मेरे तो आता है 10 नंबर है, मेरा पैर कुछ ज्यादा मतलब बड़ा सा है ना कुछ, तो कृष्णा का नंबर भी इतना ही हो गया पता नहीं कैसे, अचानक से इतना पैर बढ़ गया, अभी तक तो 7 नंबर था, अचानक से 9 नंबर पहुंच गया सीधे सीधे। तो अभी पापा और कृष्णा मतलब मेरे को यहाँ पे घर पे उतार के वो लोग और बाकी का सामान लेने के लिए चले गए, तो मम्मी भी लाई थी कल पहले, देखो चप्पलों की दुकान खोल रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत सामान मतलब ऐसे ही सारा एक जगह करके रख रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना पड़े सामान इकट्ठा करने में, मतलब फिर मिलता नहीं है ना कि अभी जल्दी जल्दी में फिर कुछ रहा था कुछ रहा था, इसलिए हम पहले दिमाग में सोच सोच के रख रहे हैं कि क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और मैंने एक ट्राईपॉड भी ऑर्डर करा था, तो वो भी आने वाला है लगभग अभी एक दो दिन में आ जाएगा, क्योंकि मेरा पहला ट्राईपॉड टूट गया था जैसे मैंने पहले दिखाया था वीडियो में, तो वो मार्केट पे गए थे, मार्केट में मिला नहीं इसलिए ऑनलाइन ही मंगाना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कब तक आता है वो भी, तो अभी तो बस ऐसी तैयारियाँ चल रही हैं, मजे कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए पिछले, 4-5 दिन से ऐसी तैयारी चल रही है और आगे 4-5 दिन तक भी चलती रहेंगी। नहीं नहीं सेम पैर है मेरा और पापा का, तो मम्मी को लग रहा है कि पापा की चप्पलें बड़ी हैं। तो देखते हैं पापा कृष्णा कब तक आते हैं, और मम्मी अभी खाने की तैयारी कर रही है। तो गाइस अभी 11:51 हो रहा है रात के, बिल्कुल मतलब 12 बजने वाले हैं जस्ट, तो 9 मिनट बचे हैं बस, फिर उसके बाद नया दिन शुरू हो जाएगा। तो मैं जल्दी से वीडियो एडिट कर देता हूँ, फिर उसके बाद सोऊंगा मैं भी क्योंकि फिर सुबह स्कूल जाना है, तो जल्दी से आता हूँ। कृष्णा तो सो गया है पहले ही, मतलब कृष्णा अपना होमवर्क कर रहा था इस रूम में बैठा हुआ, तो वो सो गया है, बाकी सब जग रहे हैं अभी, पार्थ भी जग रहा है, तो मम्मी अभी मतलब पानी वानी पी रही हैं रात, मतलब सोने के लिए जा रही है ना, तो पानी वानी पी रही हैं, और पापा को दूध दे रही हैं, पापा मतलब रात को दूध पी के सोते हैं ना, मतलब वैसे पापा तो मना ही करता है, मम्मी ज़बरदस्ती पिला देती है, फिर भी मतलब मन तो करता नहीं है पीने का यार, ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा दो फिर से मतलब पहले अभी पहली बार ही बढ़ा दो मतलब सब्सक्राइबर मेरे,
तो लगभग मेरे 79-80 होने वाले सब्सक्राइबर, तो जल्दी जल्दी 100 कर दो। मतलब मैंने कही थी ना, मतलब अभी पिछली वीडियो में मैंने कही थी कि एक हफ्ते के अंदर 100 पहुँचा दो कम से कम। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि लोगों को और पता चले और ताकि वो और जल्दी सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को ही ख़त्म करता है, बाय बाय।